हे डे लर्नर सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइक आविस्कार आई होप यू विल बी डूइंग ऑल सम स्प्लैंडेड इन दिस पैंडमिक आई एम ऑल्सो डूंग वेरेबल इन दिस पैंडमिक सो आज मैं आपके लिए एक न्यू कंटेंट लेके आई हूँ यू क्या है लिस्ट ऑफ नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपकी स्टडीज में आपके जनरल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करने वाला हैल्प करने वाला है ओके एज यू आर नो एज यू नो ऑर्गनाइज की मैंने फैक्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी सो आई हैव अपलोडेड द टेन वीडियोज ऑफ द फैक्ट सीरीज यू कैन गो एंड चेक इन द

तो so, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको चलो हमें ये तो सभी को पता है कि तिरंगा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना बहुत ही जरूरी है इंडियंस ओके okay? अपने नेशनैलिटी तो पता तो होना चाहिए हमें चलो ठीक जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो क्या है सिंबल है कि इसका फ्रीडम का एंड द यूनिटी का फ्रीडम तो आपको पता ही आजादी है जो एंड द यूनिटी मीन्स एकता जो हमें क्या सभी को एक साथ मिल रहना जो हमें यूनाइट करके रखती है देखो अब इसकी शेप कैसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप है जो इसमें क्या है थ्री कलर्स हैं कितने कलर्स हैं थ्री कलर्स हैं लेट्स मूव ऑन इट इज ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा इसको हम क्या कहते हैं तिरंगा भी कहते हैं जिसमें मतलब तीन रंग हैं और ट्राई कलर ट्राई कलर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई मीन्स तीन और कलर मीन्स तिरंगा इसलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं तिरंगा और इंग्लिश में ट्राई कलर जो नेम ऑफ थ्री कलर्स और इंडियन चलो थ्री कलर्स के नेम क्या क्या मैं आपको बताती हूँ इंडियन सैफ्रन एट द टॉप जो सबसे टॉप पे होता है वो क्या है सैफ्रन जिसको हम केसरिया भी बोलते हैं वाइट इन द मिडल वाइट क्या होता है मिडल बीच में होता है इंडियन ग्रीन किस में होता है इन द बॉटम में जिसको हम हरा कलर बोलते हैं वो क्या है सबसे नीचे होता है चलो ठीक है अब मैंने आपको तीन कलर तो बता दिया अब देखो हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन तो होता है उन्होंने जो हमारे इंडिया का जो फ्लैग था डिजाइन किया था उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा उसमें ये तीन कलर डाले उन्होंने उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा तो अब इन कलर्स का कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही ना जो तो सैफरन कलर है जो हमारा किसका सिम्बलाइज है क्रेज और सेक्रीफाइस साहसी और बलिदान किसका सिम्पलाइज साहसी और बलिदानी ओके वाइट है दो ट्रुथ सच्चाई और क्या है पीस विश्वास शांति ओके ग्रीन किस लिए फेथ और फर्टिलिटी इट मींस विश्वास और क्या है उर्वरता ओके okay? ये तीन जो हमारे आ, कलर हैं इनका सभी तीनों का अलग अलग मीनिंग है जो हमारे फ्लैग में दर्शाता है चलो ठीक है अब हमें तीन कलर का मतलब तो चल गया पता अब हमारे जो फ्लैग में आप सभी तो देखते होंगे कि अशोक चक्र भी है, एक सर्कल टाइप सा भी है जो उसमें व्हील टाइप बना हुआ है सभी ने देखा ही तो होगा इसके बीच भी कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही ना देखो इसमें ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं, कितने हैं ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं। आपको ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं की जो फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं? हमें पता होना चाहिए कितने ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं और कौन सी कलर का कलर का नेवी ब्लू कलर पे एट द सेंटर में ओके okay, चलो ठीक है ये बनाया इसके बीच में कुछ ने, कुछ रीजन तो हो ना देखो जो जो हिमालय ट्वेंटी उनको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और ये, एक और बात जो अशोक चक्र है इज ऑल्सो नाउन एज समय चक्र जो अशोक चक्र किसके दूसरा नाम किस, क्या है इसका?

जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना उस टाइम पे जो इंडियंस थे उन्होंने कहा था कि जो हमें फॉरेनर गुड्स हैं वगैरह हैं कुछ भी चीज़ें हैं उनको हमें क्या करना है वाइकआउट करना है स्वदेशी अपनाना है अपने देश में जो चीज़ तैयार होगी प्रोडक्शन होगी जिस चीज़ की हम उसी को अपनाएंगे फॉरन की चीज़ को किसी को भी हम क्या करेंगे यूज़ नहीं करेंगे तो इसलिए खादी है जो हमारे इंडिया में ही इसकी प्रोडक्शन होती है तो इसलिए यहाँ पर हमने खादी का यूज़ किया ओके द नेशनल फ्लोग फ्लैग होस्टेड ऑन द स्पेशल ओकेजन अब ये तो है नहीं रोज रोजर भाई हाँ फ्लैग को होस्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं है ये स्पेशल ओकेजन पे ही होस्ट किया जाता है

तो लास्ट मॉडल था जो हमारे फ्लैग का प्रपोज किया था किसने बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप इनको तो जानते होंगे जो सबसे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के ओके सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एट द कॉन्टीट्यूट असेंबली ऑन द 22 जुलाई 1947 फोर्टी सेवन जुलाई 1947 को ही हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग था अडॉप्ट किया गया था ओके देखो बहुत सारे लोगों ने मॉडल इसके डिजाइन दिखाए बट जो लास्ट मॉडल था पंडित जवाहरलाल ने ही किया था पता होना तो चाहिए ना कि हमारा नेशनल फ्लैग हम इसको इतना कर रहे, इतनी मान मर्यादा है इसकी तो किसने डिजाइन किया इतना महान पर्सन कौन था जिसने इसको क्या किया डिजाइन किया उस बंदे का नाम पता तो हमें होना जरूरी है ना वो कौन थे पिंगाली वेनाकाया ओके पिंगाली वैनकाया आप यहाँ पे नेम देख सकते हो आपको जनरल नॉलेज चाहिए था जनरल नॉलेज पूछा जा सकता है कि बताओ कि हमारे जो भाई किया था जिन्होंने तो कि रेस, रेस किया था हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को कब किया था कलकत्ता में किया था जो आज के टाइम पे कोलकाता बोलते हैं जिसको हम इन दन नाइनटीन जीरो सिक्स में ओके आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा आपने के बारे में So, let's move on. चलते हम अपने नेक्स्ट सिंबल की तरफ क्या है जन गाइटल क्या है हमारे जो नेशनल एंथम क्या है जन गण मना ये तो सभी को पता चलो म्यूजिक किसने दिया है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसने दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी लिरिक्स किसने दिए हैं रविंद्र नाथ टैगोर जी ने ही दी हैं रागा किसने दिया है अलहाया विलावाल ओके okay. कब लिखा गया था चलो ये हमें पता होना बहुत ही जरूरी है एज अ जर्नल ओके रिटर्न कब कब लिखा गया था इलेवन दिसंबर नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में ही लिखा गया था चलो ठीक है इतना तो चल गया पता है. चलो गाया कब गया था देखो हर एक चीज की ना डेट हमें पता होना बहुत ही जरूरी है हिस्ट्री हर एक की हिस्ट्री हमें याद रखना पड़ेगी फर्स्ट संगोन कब गाया गया था ट्वेंटी दिसंबर 1911 में चलो देखो 11 दिसंबर को जो गाया लिखा गया और 27 दिसंबर को एक कब क्या किया गया संगमरर गाया गया डिक्लेयर्ड mm -hmm. एज नेशनल एंथम चलो ठीक है चलो पहले तो ये लाइक गाना था पर ये कब डिक्लेयर किया गया कि जो हम इसको क्या करेंगे अपना नेशनल एंथम ही रखेंगे 24 जनवरी 1950 को ये डिक्लेयर किया गया कि जो हमारा इंडिया का राष्ट्रगान होगा नेशनल एंथम होगा वो यही होगा जना गना मना ट्वेंटी जनवरी 1950 को ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था ओके अब चलो ये तो पता है हमें की चलो हो गया इतना तो कर दिया अब टाइम टू तो प्ले कितने सेकंड में हम इसको कंप्लीट करना होता है फिफ्टी टू में इसको क्या करना पड़ता है हमें कंप्लीट करना पड़ता है अब स्क्रिप्ट कौन सी देवनागरी स्क्रिप्ट है ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नेशनल एंथम इंग्लिश में भी दिया है कि और हिंदी में भी दिया है अब इसमें कितने मतलब कि पैराग्राफ कितने फोर पैराग्राफ है ओके okay? आप कितना समझ आ गया होगा थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस होप कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी वीडियो रही होगी आपको जनरल नॉलेज बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प की होगी ओके सो बाय बाय टेक केयर विल मीट सून विद न्यू सिंबल ऑफ इंडिया ओके सो डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल ब्राइट आविष्कार बाय बाय सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की आप सभी को वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी कि नहीं लगी कुछ भी अगर आपको लग रहा है यहाँ मिसिंग है कुछ भी कमी है आप मुझे बता सकते हो ओके आई विल आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट ओके बाय